का किसान भाई, आज एक छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ ताकि आपको अच्छे से मालूम पड़ जाए कि हमें टमाटर में झुलसा रोग को नियंत्रित करने के लिए क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि झुलसा रोग होता किस कारण से। वायरस से होता है, कवक से होता है, बैक्टीरिया से होता है, या और किसी कारण से होता है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि टमाटर में जो पछेती झुलसा रोग होता है वो होता है फाइटोप्थोरा नामक कवक के द्वारा होता है, और उसकी वजह से जो पौधों की पत्तियाँ रहती है और उसके सिरे जो रहते हैं वो झुलसने लग जाते हैं, मतलब पत्तियाँ पूरे भूरे रंग की हो जाती है और काले रंग के धब्बे उसके ऊपर होने लग जाते हैं। और जो पत्ती की निचली सतह यानी कि उसकी निचली साइड जो है वहाँ पर सफ़ेद रुई रुई सा फफूंद एक जमा होने लग जाता है, और पूरी पत्ती धीरे 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 पूरा पौधा यहाँ पर हमारा ख़त्म होते होते दिखाई देता है। तो इसका जो सबसे जो शुरुआती जो ट्रीटमेंट है वो मैं आपको बता दे देता हूँ। वैसे तो झुलसा रोग को नियंत्रित करने में अभी तक कोई भी सफल नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपको दिख जाए कि चालू हो गया है झुलसा रोग तो आप उस पौधे को उखाड़ कर फेंक दें, या फिर एजोक्सिस्ट्रोबिन 11%, टेबुकोनाजोल 18.3%। अभी एजोक्सिस्ट्रोबिन वो है जो इस कवक को मारने का काम करेगी, और टेबुकोनाजोल वो है जो उसका जो फंगस निचली सतह पर जो फंगस जमा हुआ है उसको मारने का काम करेगी। उन दोनों को 150 से 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना है, समझ गए। 150 से 200 ml हमें क्या लेना है, दवाई लेना है, 150 लेना है एजोक्सिस्ट्रोबिन और 200 लेना है यहाँ पर 18.5% टेबुकोनाजोल, और 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना है। इससे क्या होगा कि जो शुरुआती तौर पे जो फंगस जो है, जो कवक है, जो पनप रहा है उसको धीरे धीरे नष्ट करेगी और आगे इस समस्या को बढ़ नहीं देगी। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि पानी जमा ना होने दें, क्योंकि पानी जमा होना ही हमारे सबसे ज़्यादा कारण रहता है झुलसा रोग का, वहीं से तो फंगस जो रहता है वो पनपने लग जाता है। और एक बात का विशेष ध्यान जरूर रखें आप कि फंगस ना हो उसके पहले से ही हमें क्या करना है कि जो हमारी जड़ें रहती है टमाटर की, जो जड़ें रहती है ना, वहाँ पर डेंचिंग कर देना है फंगस को कवर करने के लिए। क्योंकि बारिश जब होती है तो मतलब आप कितनी भी कोशिश कर लो पानी कहीं ना कहीं तो जाकर जमा हो ही जाता है, तो हमें वहाँ पर क्या करना है, डेंचिंग करना है। और अगर पहले से अपन रोकना चाहते हैं झुलसा रोग को तो बहुत सारी दवाई आती है, फेनोमडेन का मिनकोजेब आता है, उसको 3 ग्राम प्रति लीटर में डालकर छिड़काव करते रहना है हमें यहाँ पर, ताकि जो हमारी फसल है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित ना हो। और अगर एक बार अगर ब्लाइट आ गई और ज़्यादा ही समस्या हो गई तो उसको रोक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है, क्योंकि शुरुआत फंगस से होती है, उसके बाद तो उसमें सब कुछ आ जाता है, सब कुछ से मतलब है कि थ्रिप्स आ जाती है, मकड़ी आ जाती है और इल्ली आ जाती है, फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि हमें इलाज किसका करना है, फाइटोप्थोरा नामक कवक का, तभी जाकर हमारी जो टमाटर की जो फसल है वो सही सलामत रहेगी। और याद, जो हमारा टमाटर है वो बेड पर ही लगाना है ताकि पानी का जमाव ज़्यादा ना हो, और अगर काला धब्बा हमें पत्ती पर दिखाई देता है मतलब समझ जाना है कि कहीं ना कहीं झुलसा रोग ने हमारे खेत में कदम रख दिया है। तो आज के इतना ही था वीडियो में, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। झुलसा रोग की दवाई को लेके आऊँगा मैं, और उसमें बताऊँगा कि कैसे इसको कंट्रोल करना है शुरू से आखिर तक। जय जवान जय किसान।